हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग्स को, आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे के कुछ इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका नेक्स्ट इंडिविजुअल कंपाउंड, दैट इज एनाल्जिन। एनाल्जिन क्या है ये? एनाल्जिन, या फिर हम इसको मेटामिजोल भी बोलते हैं, कंटेन्स एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। यानी कि जो एनाल्जिन ड्रग है हमारी, या मेटामिजोल जो ड्रग है, उसके अंदर एंटीपायरेटिक गुण भी होते हैं, एनाल्जेसिक गुण भी होते हैं एंड एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं। ठीक है, सूजन में भी काम करता है, दर्द में भी राहत देता है एंड बुखार को भी कम करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो C13H17N3O4S है इसका। IUPAC नामक्लेचर दे रखा है। एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो एनाल्जिन अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर विद अ येलो टिंट। यानी कि एक वाइट वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है येलो टिंट के साथ में, अ विटर टेस्ट। ठीक है, इसका कड़वा स्वाद होता है एंड नो ऑडर, कोई भी गंध नहीं होती है। इट इज इनसोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, और ये इनसोल्यूबल होता है क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में, जबकि हाईली सोल्यूबल होता है ये अल्कोहल एंड वाटर में। यूजेस की बात करें तो एनाल्जिन वॉज यूज प्रीवियसली एज अ पोटेंट पेन किलर एंड फीवर रिड्यूसर। यानी कि एनाल्जिन जो है वो एक तरीके से जो है प्रीवियस पोटेंट पेन किलर का काम करती है एंड फीवर को भी रिड्यूस करने का काम करती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पर वही कॉमन सा लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की बात करें तो ये टेबलेट के फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन आती है। किन नाम से आती है, इसका ब्रांड नेम क्या है? एल्पाजिन एंड मेटनिमेज, नोवालजिन, पायरेजिन एंड ओबराल्जिन। ठीक है, इन नाम से ये मार्केट में इसकी फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है, दैट इज डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफिन। डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफिन, तो डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफिन इज द डी आइसोमर ऑफ सिंथेटिक डाइफिनाइल प्रोपियोनेट डेरिवेटिव प्रोपॉक्सीफिन। यानी कि इसका एक डेरिवेटिव होता है ये, कंटेनिंग नार्कोटिक प्रॉपर्टीज, जो कि नार्कोटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो C22H29NO2। ठीक है, अब देखो नार्कोटिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अब आप सोच रहे हो कि यार पेन किलर में नार्कोटिक कहाँ से आ गया, तो भाई नार्कोटिक आपको पता है नार्कोटिक का काम क्या होता है ना? अगर आप नार्कोटिक ड्रग अगर लेते हैं कोई भी चीज़, तो आपको दिमाग को शांति मिलती है। ठीक है, और जो पेन है उसका अनुभव, उसका जो भाव है वो हमें नहीं होता है। ठीक है, तो नार्कोटिक प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है ये, इसको आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफिन अकर्स एज अ वाइट और फ्रेंटली येलोइश पाउडर विद अ बिटर टेस्ट एंड नो ऑडर। इट इज रीडली सोल्यूबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहल। यूजेस की बात करें तो डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग माइल्ड पेन। यानी कि माइल्ड पेन में, यानी कि जो हल्का पेन होता है हमारा, हल्का दर्द होता है, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। इट ऑल्सो कंटेन्स एंटी टसिव एंड लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज, और एंटी टसिव के रूप में भी इसको यूज करते हैं एंड जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक जो की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है, तो एज अ लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पर वही कॉमन सा लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की बात करें तो टैबलेट के फॉर्म में आती है इसकी फॉर्मेशन एंड कैप्सूल के फॉर्म में आती है। किन नाम से आती है, इसके ब्रांड नेम क्या है? डार्बोसेट, डार्बोन एन, बलासेट वाह एंड नोवो प्रोपॉक्सिन, इन नाम से ये मार्केट में आती है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है, दैट इज पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन इज अ सिंथेटिक ओपियोइड कंटेनिंग बोथ एगोनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स अगेंस्ट ओपिएट रिसेप्टर्स। इट इज यूज इन पैरेंटल एंड ओरल फॉर्म एज एन एनाल्जेसिक टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C19H27NO है। IUPAC नाम की जब दे रखा है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पेंटाजोसिन अकर्स एज अ क्रीमी वाइट पाउडर विद नो ऑडर एंड अ फाइनली बिटर टेस्ट। इट इज वाटर इनसोल्यूबल
एंड स्परिंगली सोल्यूबल इन एल्कोहल, इट क्रिएट्स अ पुअरली सोल्यूबल हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, बट इट्स लैक्टेट सॉल्ट इज फ्रीली सोल्यूबल। यूज की बात करें तो पेंटाजुशिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग मॉडरेट टू सीवियर पेन, इट इज ऑल्सो यूज इन एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी, यानी कि मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है, यानी कि जो मिड पेन होता है, यानी कि मध्यम जो पेन होता है, सहनीय पेन होता है, और सीवियर यानी कि गंभीर दर्द, जो असहनीय दर्द होता है, तो उस कंडीशन में पेंटाजुशिन का यूज़ किया जाता है। एंड सर्जरी के दौरान जो है एज अ एनेस्थीसिया के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पर कॉमन सा लिखेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोमिशन की बात करें तो टेबलेट के फॉर्म में आता है ये पेंटाजुशिन, एंड इंजेक्शन के रूप में भी पेंटाजुशिन आता है। किन नाम से आता है, इसके ब्रांड नेम क्या है, तो फॉरेसेट हो गया, फॉर्टाजिशिक एंड फोर्टाविन एंड पेंटाविन नाम से इसका मार्केट में फॉर्मेशन आती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, एंड हम लोगों ने आज कवर किया पूरा चैप्टर एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। बाकी आप नोट्स बनाइए, रेगुलर बेस पे पढ़िए, एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।